हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आप सभी ने मैजिक किचन ऑफ कृष्णा को बहुत सारा प्यार दिया है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा, और बने रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। हम लाते हैं आपके लिए ढेरों अमेजिंग डिलीशियस इंडियन रेसिपी, क्वांटी रेसिपी एंड फ्यूजन रेसिपी। तो अच्छी अच्छी रेसिपी देखने और सीखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी रेसिपी आए सबसे पहले आपके लिए आए। आपके भरपूर प्यार के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। यूं ही बने रहिए, यूं ही अपना प्यार बरसाते रहिए। हम आज लेकर आए हैं आपके लिए कौन सी रेसिपी, चलें देखते हैं वीडियो में और बनाते हैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो चलें बनाएं आज की रेसिपी। चलिए आज कुछ बनाते हैं रॉयल। तो आज हम बनाएंगे रॉयल रेसिपी, रॉयल चिकन, व्हाइट रॉयल चिकन कोरमा। तो बनाते हैं आज व्हाइट कोरमा, एक रॉयल रेसिपी। कभी कभी बहुत रिच खाने का मन करता हो, या कभी कभी मेहमान ऐसे आते हैं जिनके सामने आप रॉयल खाना परोसना चाहते हैं, तो जरूर बनाइएगा ये रॉयल चिकन कोरमा। बहुत ही डिलीशियस है, माइल्ड फ्लेवर होता है मसालों का, और इतना टेस्टी होता है कि डेफिनेटली आपके मेहमानों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है। तो मेहमानों के लिए, खासकर अपने परिवार के लिए जरूर बनाइएगा ये रॉयल व्हाइट चिकन कोरमा। अमेजिंग है, टेस्टी है, डिलीशियस है और रिच भी है। मेरे दिल को तो ये बहुत पसंद है, आपके दिल को पसंद है? तो चलिए बनाते हैं, तैयार हो जाइए हमारे साथ बनाने के लिए ये स्पेशल टेस्टी डिलीशियस रॉयल चिकन कोरमा। बनाएंगे ना, तो उठा लीजिए कॉपी पेन और नोट कर लीजिए इंग्रेडिएंट और बना लीजिए हमारे साथ ये टेस्टी डिलीशियस रेसिपी। चलें बनाते हैं। काजू भिगो के रखे हैं, ये तकरीबन 7-8 घंटे तक आप भिगो दें काजू को, और यदि जल्दी में है तो आप गर्म पानी में डाल दीजिए, 1 घंटे में रेडी हो जाएगा काजू। तो काजू जब फूले फूले हो जाए तब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने यहाँ 25 से 30 काजू लिए हैं, तकरीबन 1 कप समझ लीजिए आप काजू है, यानी 100 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसको हम थोड़े से पानी के साथ बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लेते हैं, भिगो देंगे ना तो बिल्कुल ऐसा क्रीमी क्रीमी पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो पेस्ट काजू का रेडी है रॉयल रेसिपी के लिए, ये रॉयल काजू का पेस्ट रेडी है। काजू की जगह आप बादाम भी यूज कर सकते हैं, मगज के बीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन काजू तो काजू है। मेरी सलाह है कि काजू ही यूज कीजिए। यहाँ पर हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो ये तकरीबन 1/2 कप हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, यानी 1.5 इंच टुकड़ा जिंजर और 10 से 12 क्लोव, उसको हमने पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे 5 बड़े साइज के ऑनियन को, व्हाइट ऑनियन का पेस्ट बना लिया। ध्यान रखें कि व्हाइट कोरमा है तो व्हाइट ऑनियन ही लीजिएगा, रेड वाले ऑनियन से हल्का सा रेडिश कलर आता है, इसलिए व्हाइट ऑनियन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे हमने 1 किलो लिया है चिकन, और चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है, खूब अच्छे से वॉश किया है। देखिए 1 किलो हमने लिया है, जिसमें 2 पीस ड्रमस्टिक भी है। ड्रमस्टिक में एक बात ध्यान रखने की है, ये जो वेन होता है ना, ये देखिए यहाँ पर ये वेन है, इस वेन को हमें कट कर लेना है।
देखिए दोनों ड्रमस्टिक में हम वेन कट कर देंगे। कट करने से क्या होगा, जब आप इसे कुक करेंगे ना तो ये डी शेप नहीं होगा, यानी कुक होने के बाद आप देखेंगे कि यदि आप वेन कट नहीं करते हैं तो ये डी शेप हो जाता है, लेकिन वेन कट कर दीजिए तो ये डी शेप नहीं होगा। तो चिकन तो रेडी है, ऐड कर देते हैं सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पे चिकन के अकॉर्डिंग 2 टीस्पून हमने लिया है सॉल्ट, और 1 लेमन का जूस हम ऐड करने वाले हैं, तो हाफ ऑफ करके हम लेमन का जूस ऐड कर रहे हैं। टोटल 1 लेमन का जूस जरूर ऐड करें, तो सॉल्ट और लेमन जो है इसे टेंडर बना देता है। तो ये बीज जो निकले हैं ये हम निकाल देते हैं। आधा लेमन हमने यूज कर दिया, आधा लेमन और यूज कर रहे हैं। बीज रहने मत दीजिएगा, बीज यदि गिर जाता है तो उसे निकाल दीजिए। तो देखिए आधा लेमन हमने पहले ऐड किया, आधा लेमन आप ऐड किया, नहीं टोटल 1 लेमन का जूस ऐड करिए। नींबू का रस जरूर ऐड करें। अब इसको अच्छे से मैरिनेट कर देते हैं, और मैरिनेट करके तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट छोड़ देना है ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए। तो 20 से 25 मिनट के लिए ढक देते हैं। 25 मिनट बाद ये रेडी हो जाएगा। फर्स्ट मैरिनेशन हमने किया है इसको। व्हाइट चिकन कोरमा है तो एक ही मैरिनेशन किया जाएगा, दूसरे मैरिनेशन की यहाँ जरूरत नहीं होती है। देखिए 25 मिनट हो चुके हैं और चिकन अच्छे से मैरिनेट होकर रेस्ट कर चुका है, नहीं टेंडर हो गया काफी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया ग्रीन चिली, तो ग्रीन चिली आप श्रद्धा अनुसार यूज करें। हम यहाँ पे 4 से 5 यूज करने वाले हैं ग्रीन चिली, और यहाँ पे ले लिया है दही, तो ये 300 ml दही है जिसको अच्छे से फेंट लेंगे। बिल्कुल अच्छे से फेंटना जरूरी है ताकि स्मूथ बनना चाहिए ग्रेवी। तो दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे व्हाइट पेपर पाउडर। यहाँ पे हमने व्हाइट पेपर पाउडर ऐड किया है 1 टेबल स्पून एंड हाफ टेबल स्पून, इन टोटल 1.5 टेबल स्पून हमने ऐड किया। अब ऐड करेंगे कुरिएंडर पाउडर, ये भी 2 टेबल स्पून हमने ऐड किया, और हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर यानी क्यूमिन पाउडर ऐड कर दिया। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है दही के साथ में। तो ये दही हमारी रेडी है। व्हाइट पेपर ही यूज कीजिएगा। यहाँ 1 टीस्पून हमने लिया है जीरा, तो ये छौंक के लिए हम तैयार कर रहे हैं। 1 टीस्पून जीरा है, 1 टुकड़ा सिनेमन है, बड़ा टुकड़ा है तो हम 2 टुकड़े कर रहे थे इसके, और 1 ब्लैक कार्डमम है यानी बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची है, और 7 से 8 लौंग है, और 7 से 8 है काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, पिसी भी नहीं यूज करेंगे हम। यहाँ पे हम ले रहे हैं देसी घी, तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून हमने लिया है देसी घी, और 6 से 7 हमने लिया है सूखी लाल मिर्च, और 2 वेलीज यानी तेज पत्ता। यहाँ पे हमने घी गरम किया है तकरीबन 1 कप, 1 कप घी हमने अच्छे से गरम कर लिया है, हल्का गरम करना है। अब इसमें ऐड कर देंगे वेलीज यानी तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च। अब ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जीरा, और ऐड कर देंगे सारे गरम मसाले, खड़े गरम मसाले। आप देख सकते हैं टेम्परेचर कितना, बिल्कुल लो हीट पे हम इस टेम्परेचर को रखें। हमें इन मसालों को बिल्कुल जलाना नहीं है, बस हल्का सा गरम होना चाहिए। तो ये देखिए मसाले ऐड कर दिए और हल्का सा गरम कर लेते हैं। इन मसालों को बिल्कुल जलाना नहीं है, तो इसलिए तेल को बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है, आपको निवाया हो इतना ही गरम करना है। उसके बाद सारे खड़े मसाले ऐड करने, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, लो हीट पे ही इसे हमें कुक करना है। हम देसी घी में बना रहे हैं, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे ऑनियन पेस्ट, ऑनियन को बिल्कुल फाइन पेस्ट कीजिएगा। तो देखिए ऑनियन पेस्ट हमने ऐड कर दिया है, और अब इसको अच्छे से चलाएंगे और बिल्कुल लो हीट पे पकाएंगे, क्योंकि कलर हमें चेंज नहीं होने देना है, कलर व्हाइट ही रहना है, इसलिए बिल्कुल लो हीट पे पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए और ये स्मूथ हो जाए। तो बिल्कुल लो हीट पे पकाना है। देसी घी में पका रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ना तो घी जलने चाहिए ना मसाले जलने चाहिए, तो बिल्कुल लो हीट पे इसको पकाते हैं। और इसको पकने में तकरीबन
5 से 6 मिनट लगेंगे। 5 से 6 मिनट में हमारा ऑनियन जो अच्छे से पक जाता है, उसके बाद हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी लो हीट पे ही पकाना है और इसे भी तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो ऑनियन को इसी के साथ में हमें 4 से 5 मिनट और पकाना है, तो लो हीट पे ही पकाएं। जिंजर गार्लिक का जो कच्चापन है, कच्चा स्वाद है या स्मेल है, वो निकल जाना चाहिए। ढक देते हैं, ढककर पकाते हैं। तो इसको ढक देते हैं अच्छे से और 4 से 5 मिनट पका लेते हैं। लो हीट है, बिल्कुल लो हीट पे ही पकाना है। इस बात का बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा जब आप व्हाइट ग्रेवी बना रहे। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं, बबल्स देख सकते हैं आप कैसे बबल्स आ रहे हैं। ढकने से क्या होगा, ये स्मूथ हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा। तो ढककर जरूर पकाइएगा, लेकिन ध्यान रखिए थोड़ी देर में चला जरूर दीजिएगा, क्योंकि नहीं चलाएंगे तो नीचे लग सकता है, इसलिए चला दीजिएगा इसको। क्योंकि कलर हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है, कलर व्हाइट ही रहना चाहिए, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिए कि मसाले जले नहीं। तो चला दीजिए थोड़ी देर में और फिर इसको पकने दीजिए। अब देखिए घी सेपरेट होने लगा है, यानी मसाला अच्छे से कुक हो गया है। 4 से 5 मिनट लगे हैं इस मसाले को रॉ फ्लेवर को जाने में। अब इसको फिर से ढक देंगे और फिर से 2 मिनट और पका लेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और अब देख सकते हैं आप बिल्कुल बबल्स आने लगे हैं और घी सेपरेट हो गया। तो इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने पसंद के अनुसार ऐड करें, बहुत ज्यादा ऐड ना करें। देखिए इसको थोड़ा हमने एक साबुत ऐड किया और बाकी को हमने थोड़ा कूट कर ऐड किया ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। बहुत ज्यादा नहीं कूटना है, आप इमामदस्ते में हल्का सा कूट लीजिए या सिलबट्टे पे हल्का सा पीस लीजिए। ज्यादा नहीं करना क्योंकि कलर नहीं आना चाहिए, हल्का सा, ताकि क्रश होगा ना तो उसका जो फ्लेवर है वो इसमें मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्रश कर लिया। 4 से 5 हमने ग्रीन चिली यूज किया, क्योंकि रेड चिली बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो जो तीखापन होगा वो व्हाइट पेपर पाउडर और ग्रीन चिली का ही होगा। तो चलिए अच्छे से इसको पका लेते हैं। तब तक जब तक कि घी सेपरेट ना हो, पूरे अच्छे से घी सेपरेट हो जाए तब तक हमें इसे लो हीट पे ही पकाना है। तो इन टोटल हम कहेंगे कि 15 मिनट, 15 से 20 मिनट लग जाता है इस मसाले को पकने में। प्याज से लेकर लहसुन और अदरक पकने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। देखिए घी सेपरेट हो गया, तो अब इसमें ऐड कर देते हैं हम मैरिनेट किया हुआ चिकन के पीसेस। हमने मैरिनेट किया था याद है ना, नमक और नींबू के साथ। जस्ट वन मैरिनेशन ही इसमें करना है। रेड यदि हम कोरमा बनाते तो हम मैरिनेशन और मसालों का करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बना रहे व्हाइट कोरमा, तो हमने नींबू और सॉल्ट का मैरिनेशन किया है। अब अच्छे से इसको चिकन को मिक्स कर देते हैं। इसमें 1 किलो चिकन है तो 1 किलो चिकन के अनुसार ही सारे मसाले लिए हैं। आप यदि क्वांटिटी में ज्यादा बना रहे हैं तो आप डबल कर दीजिएगा मसालों को। तो इसको अच्छे से पहले तो मिक्स कर देना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए, देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, तो इसको ढक के हमें पकाना है। चिकन को पकने में तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं। तो इसको ढक देते हैं, बीच बीच में चेक करेंगे। देखिए बीच में 15 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट बाद चेक कर लेते हैं ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो देखिए घी सेपरेट हो गया है, चिकन क्या अपना भी फैट होता है तो वो भी सेपरेट होता है। देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमने दही और मसाले ऐड नहीं किए हैं, अभी इसको अच्छे से मसालों के साथ में, ऑनियन गार्लिक के साथ में इसको पकाना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हमने अच्छे से चला दिया है, तो इसको 15-15 मिनट में जरूर चला दें। तो देखिए इसको अच्छे से चला दिया हमने। अब इसमें हम खड़ी हुई हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं 3 से 4। आप सोच रहे होंगे हरी मिर्च से ज्यादा क्यों ऐड किया है, थोड़ा तीखा बनाना है तो हरी मिर्च ऐड करें। अब इसमें ऐड कर देंगे दही वाला मसाला, जिसमें दही और हमने व्हाइट पेपर पाउडर और कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर यानी जीरा पाउडर ऐड किया था, उस मसाले को हम ऐड कर देंगे। अब इन मसालों को ऐड करने के बाद एक बात जान लीजिए कि ये दही है तो अब ये पानी छोड़ेगा और उसी पानी में इसको पकना है। यानी 15 मिनट हो जाए चिकन को अच्छे से पकने के बाद, तब ऐड करें दही वाला मसाला। अब इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट,
ध्यान रखें हमने मैरिनेशन में भी सॉल्ट ऐड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्ट को ऐड करें। सॉल्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस बात को ध्यान में रखें कि मैरिनेशन में भी ऐड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्ट ऐड करें। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे मसालों को। अब इस दही में ही ये चिकन पकने वाला है, और ये दही और ये मसालों के साथ में पकेगा अभी ये, तो अभी हमें इसे ढककर पकाना है। 15 मिनट हमने पहले पका था, 15 मिनट और पकाना है। 15 मिनट पहले पक चुका था, अब देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए मसाला देख सकते हैं आप, और चिकन भी आप देख सकते हैं काफी हद तक पक चुका है। 30 मिनट्स टोटल हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। 15 मिनट पहले पकाया था और 15 मिनट हमने दही ऐड करने के बाद पकाया, और देखिए घी बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। फिर ढक के हमने पकाया 10 मिनट, तो ये देखिए 10 मिनट बाद फिर हमने खोलकर चेक करना है। ये बीच बीच में जरूर चेक कीजिए ताकि नीचे चिपके नहीं, फ्लेम लो ही रखना है ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। देखिए घी बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है, ऊपर आ चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम काजू का पेस्ट। देखिए 15 15 30 मिनट पका था, फिर 10 मिनट हमने और पकाया था, ये 40 मिनट पक चुका है। तो अब काजू का पेस्ट ऐड करने के बाद हमें 5 मिनट और पकाना है, ये टोटल 45 मिनट में चिकन पक जाएगा। चिकन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि चिकन कितनी जल्दी पकता है, यदि क्वालिटी अच्छी है तो 45 मिनट काफी होते हैं। तो अब इस चिकन को हमें 5 मिनट और पकाना है, और 5 मिनट में ये चिकन बिल्कुल अच्छे से पककर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो ढककर पकाएं और चाहें तो ओपन में पकाएं, ये 5 मिनट और आपको देना है इसको पकने के लिए। और 5 मिनट में बिल्कुल हमारा क्रीमी क्रीमी रॉयल चिकन कोरमा बनकर रेडी हो जाता है। तो 5 मिनट हम इसको पकने देते हैं। आप देख सकते हैं घी की वजह से कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर, देखिए बहुत अच्छे से ये रेडी हो गया। ये देख सकते हैं आप चिकन, और जो बेन हमने कट किया था ना, उसके वजह से आप देखेंगे ये खींचा नहीं है बिल्कुल, और डी शेप नहीं हुआ है। अब इसमें ऐड कर देंगे घी, ये 3 टेबलस्पून हमने घी रखा था, तो ये घी बाद में ऐड कर दीजिए। अब 2 हरी इलायची हम बारीक क्रश कर लेंगे, बहुत ज्यादा क्रश नहीं करना, हल्का सा इस तरह से क्रश करेंगे और इसको ऐड करेंगे, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। तो देखिए हरी इलायची को हमने क्रश कर लिया, इसको ऐड कर देते हैं। तो घी और गरम मसाला यदि बाद में ऐड करते हैं तो एक अच्छी सी खुशबू आती है, एक रॉयल सी खुशबू आती है। देखिए ये रेडी हो गया। थिकनेस कैसा चाहते हैं इस बात पे डिपेंड करता है, यदि आप थिकनेस कम चाहते हैं यानी थोड़ा लिक्विडी चाहते हैं तो थोड़ा सा दूध ऐड कर दें। तो ये हमने तकरीबन 1/2 कप दूध ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा जो है ये लिक्विडी हो और थोड़ा क्रीमी भी हो जाता है। आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा रिच हो जाता है, तो उससे ज्यादा रिच नहीं करना हमें। थोड़ा ढक देते हैं और 2 मिनट पका लेते हैं। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा यमी डिलीशियस चिकन कोरमा अब बनकर बिल्कुल रेडी है। यानी टोटल 47 मिनट लगे हैं इसको पकने में। 2 मिनट हमने मसाले यानी गरम मसाला इलायची डाला था और घी डाला था, उसके साथ पकाया। थोड़े से चॉप मिंट लीव और कोरिएंडर लीव्स हम ऐड कर देंगे खुशबू के लिए, थोड़े से कलर और खुशबू के लिए कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स ऐड कर दिया हमने, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा यमी रॉयल रेसिपी, व्हाइट चिकन कोरमा। स्पेशल है, टेस्टी है, डिलीशियस है एंड हेल्दी है, ऑफकोर्स रिच भी है, काफी रिच है। हमने यहाँ क्रीम ऐड नहीं किया है, आप देख सकते हैं कि जो चिकन है ड्रम स्टिक वो बिल्कुल डी शेप नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा आपकी बार जब आप ड्रम स्टिक यूज करें तो वेन को जरूर कट कीजिएगा। तो ये तैयार है हमारा व्हाइट चिकन कोरमा, प्लेट कर देते हैं। हमने देसी घी में बनाया है, तो देसी घी का अपना एक कलर होता है, ये देखिए रॉयल कलर होता है। तो ये तैयार है यमी यमी टेस्टी एंड बहुत ही टेस्टी, मुंह में पानी आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से इस बार आप चिकन बनाते हैं तो जरूर ये वाला चिकन बनाइएगा, वाइट रॉयल चिकन कोरमा।
मिंट लीफ के साथ हमने गार्निश कर दिया है। ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है, टेस्टी है, डिलीशियस है। राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए या पूड़ी के साथ खाइए, जिसके साथ आपकी मर्जी खा सकते हैं। या यूं ही टेस्ट करना चाहते हैं तो यूं ही टेस्ट कर सकते हैं। इतनी रॉयल है ये रेसिपी कि डेफिनेटली आपको इस रेसिपी से प्यार होने वाला है, तो जरूर बनाइएगा ये चिकन कोरमा, व्हाइट चिकन कोरमा। यदि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो फ्रेंड्स, आप चिकन की जगह पे पनीर यूज कर सकते हैं, कसम से बहुत अच्छी बनती है। उसकी रेसिपी भी चैनल पर है, चेकअप करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, छुपके छुपके चले जाते हैं, उनसे निवेदन है सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, बनाते रहिए डिलीशियस अमेजिंग रेसिपीज। और यदि आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बना पाए ये डिलीशियस रेसिपी। हम लाते हैं हमेशा आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और हमारे साथ जुड़ जाइए और अपना प्यार बरसाते रहिए। हम फिर मिलेंगे आपके लिए, लेकर आएंगे नई रेसिपी। आप बनाइए हमारी आज की रेसिपी और हम चलते हैं लाने के लिए आपके लिए और डिलीशियस रेसिपीज। तो टिल देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू। जय भारत।